हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हो? तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके मोबाइल में यूट्यूब नहीं चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं। अगर आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो यूट्यूब ओपन नहीं होता है, क्लोज हो जाता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो के देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स में चले जाना है और उसके बाद आपको ऐप्स मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब, यूट्यूब सर्च करना है और आपको ना नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज, स्टोरेज पे क्लिक करना है, क्लियर डेटा पे क्लिक करना है और क्लियर कैच कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है और आपको देखना है कि आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर वो अप टू डेट है या नहीं। तो आपको सॉफ्ट अपडेट चेक कर लेना है। हम जाएंगे अबाउट डिवाइस में और यहाँ पे ना हम सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है पहले से ही अपडेटेड, तो देख सकते हैं मेरा जो सॉफ्टवेयर वो पहले से ही अपडेटेड है। अगर आपका अपडेट के लिए है तो आपको अपडेट कर लेना है। ये अपडेट करने के बाद, ये ज़रूरी है आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब। यूट्यूब कई बार यूट्यूब अपडेट ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपको यूट्यूब को अपडेट कर लेना है। तो अगर आपका अपडेट आया हुआ है, तो मेरा अपडेट आया हुआ है। अगर आपका अपडेट होगा तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ना जैसे कि हमारा जो YouTube है वो अपडेट हो रहा है, तो आपको इसी तरह से अपडेट कर लेना है। जैसे ही YouTube ऐप अपडेट हो जाता है तो आपको YouTube ऐप को एक बार क्लोज़ करना है, उसके बाद आपको फिर से रिस्टार्ट करना है। और उससे पहले ना आपको अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना है और ध्यान रखें रिस्टार्ट तभी करें जब आपका यूट्यूब ऐप सक्सेसफुली अपडेट हो जाए, उसके बाद ही करें, वरना बीच में कट जाएगा वो। तो आपको रिस्टार्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा और आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो अभी ना मैं आपको लाइव रिस्टार्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने रिस्टार्ट किया तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कट जाएगी। तो ये आपको खुद कर लेना है। रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्यू सेकंड्स बाद ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही अपडेट हो जाता है तो यहाँ पे ना मैं अपडेट होने का वेट कर लेता हूँ। तो गाइस, मेरा जो यूट्यूब ऐप है वो अपडेट हो चुका है। तो अब ना मैं यहीं से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो अब ना इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ना मैं आई डी यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आई डी लॉगिन हो चुकी है मेरी। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे आसानी से यूज़ करना है। इसे मतलब किस कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।